नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एसपी गेमिंग में। तो आज हम आपके लेकर आ चुके हैं न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पूरे वर्ल्ड के नंबर वन फ्री फायर यूट्यूबर टोटल गेमिंग के बारे में, क्योंकि टोटल गेमिंग अभी के टाइम पे 32 मिलियन करीब सब्सक्राइबर है। लेकिन आखिर इतना सब्सक्राइबर टोटल गेमिंग को कैसे मिले, आखिर उसने क्या क्या एफर्ट किए कि टोटल गेमिंग को 32 मिलियन सब्सक्राइबर मिले। और फ्री फायर की बात की तो इंडिया का सबसे पहला लाइव स्ट्रीमर तो ज्ञान सुजन है, लेकिन ज्ञान सुजन टोटल गेमिंग से बहुत ही पीछे है सब्सक्राइबर मामले में। लेकिन टोटल गेमिंग को इतना ज्यादा नेम और फेम क्यों मिला, आपको तो पता है कोई भी यूट्यूबर बनने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है तो अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करता है, जो कि कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं। उन्हीं टोटल गेमिंग ने कुछ एफर्ट्स किए जो कि कुछ सही भी थे और कुछ गलत भी थे। तो आज की वीडियो में कुछ सारे डिटेली एक्सप्लेन कर देंगे कि फ्री फायर के यूट्यूबर टोटल गेमिंग ने क्या क्या किया अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। शाबाश बेटा। तो अगर आप एक फ्री फायर लवर और टोटल गेमिंग को आप लोग फॉलो करते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली बहुत ज्यादा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को अंत तक जरूर बनेगा। चलिए दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को क्लिक जरूर कर देना। एक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर चैनल पे लाते रहते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real. पॉइंट नंबर 7। दोस्तों अभी के टाइम पे आप लोग जब भी कोई ओबी अपडेट आता है गेम में तो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि पहले का लाइव स्ट्रीम चलाते हैं, पुराने लाइव स्ट्रीम चलाते हैं, उसको फेक लाइव स्ट्रीम बोल सकते हैं, फेक लाइव स्ट्रीम चलाते हैं। और ये हमारे फ्री फायर में इंडिया में तो पता हूँ कि जब भी कोई अभी अपडेट आता है तो सारे बंदे गेम नहीं खेलते हैं, सारे बंदे यूट्यूब पे होते हैं और उस टाइम पे फेक स्ट्रीम काफी ज्यादा वायरल भी होती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसका ट्रेंड हमारे फ्री फायर में इंडिया में लाया था टोटल गेमिंग ने। टोटल गेमिंग ने पहले यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि ओबी अपडेट के टाइम फेक स्ट्रीमिंग डाला करते थे, और फ्री फायर का सबसे पहला यूट्यूबर ऐसा टोटल गेमिंग ही था जिसके लाइव स्ट्रीमिंग ट्रेंडिंग में थी। अब तो यूट्यूब ट्रेंडिंग में एक लाइव स्ट्रीमिंग चल जाना बहुत बड़ी बात होती है, और इसी कारण फ्री फायर को काफी ज्यादा फेमस भी उस टाइम पे काफी ज्यादा ऑडियंस भी आई थी फ्री फायर को। तो क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता थी, मेरे कमेंट्स में जरूर बोल देना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर अलग अलग टाइप का टैग और टाइटल यूज करते हैं वीडियो को वायरल करने के, जैसे पैरा सैमसंग हो गया, बहुत सारे टैग और टाइटल यूज करते हैं। लेकिन अज्जू भाई जो पहले फ्री फायर के यूट्यूबर थे जिन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बाहर के कंट्री का टैग और डिस्क्रिप्शन यूज करते थे, आप लोगों को मेरी बातों का विश्वास नहीं हुआ तो आप लोग अज्जू भाई की पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हो। उन आपको वीडियो में आपको दो नाम सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, जो था लाउड का और नुबरू का। इन दोनों नामों का बहुत ज्यादा यूज करते थे अज्जू भाई टोटल में, बहुत ज्यादा यूज करते थे, जिसके कारण इंडिया सभा की प्लेयर तो आती ही थी, बाद में बाहर के कंट्री में भी इनकी वीडियो रिकमेंड करती थी। और यही कारण है कि हमारे इंडिया में फ्री फायर में 40% यूट्यूबर जो फ्री फायर अज्जू भाई का ऑडियंस है 40% इंडिया की और बाकी 60% अदर कंट्री के है। इसी कारण बाहर के कंट्री में भी अज्जू भाई का वीडियो चलता था, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा ही सब्सक्राइबर गेन होते थे। तो क्या आपको ये बात पहले से पता थी, मेरे कमेंट्स में जरूर बोल देना। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपको तो पता है कि अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर का जो हाल है, सारे बंदे गिवअवे के पीछे भागते हैं, जहाँ पे डायमंड बट रही हो वहाँ पे सारे बंदे भागते हैं, सारे फ्री फायर ऑडियंस चलती है। लेकिन आपको बता दें कि फ्री फायर में यूट्यूबर जो टोटल गेमिंग है, हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे पहले डायमंड गिवअवे का ट्रेंड यूट्यूबर मतलब टोटल गेमिंग नहीं लाए थे, और टोटल गेमिंग फ्री फायर पहले यूट्यूबर हैं जो मतलब लाइव स्ट्रीम पे गिवअवे करते थे। उनकी 300-400 वीडियो प्राइवेट होगी जिसका टाइटल होगा फ्री डायमंड गिवअवे, और इन्हीं कारण इनको काफी ज्यादा ऑडियंस मिली थी एक टाइम पे जब गिवअवे स्टार्ट किए थे फ्री फायर इंडिया। सबसे पहले तो बहुत सारे ऑडियंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी और गिवअवे भी खेली थी, और सबसे पहले गिवअवे का ट्रेंड फ्री फायर में इंडिया सर्वर में टोटल गेमिंग लाया था, जिसके कारण टोटल गेमिंग को भी बहुत ज्यादा ही सब्सक्राइबर गेन हुए थे। तो क्या आपको इसके बारे में पहले से पता थी, मेरे कमेंट्स में ये भी जरूर बोलते ना। तो आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैं इंस्टाग्राम पे भी, आप लोग मेरे से बात करना चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मैं हर एक बंदे के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग चाहे तो मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। इस नंबर 4 पे आती है अज्जू भाई के फेमस होने के कारण, वो था उनकी ई स्पोर्ट टीम। दोस्तों आपको पता है कि टीजी ई स्पोर्ट टीम अज्जू भाई की स्पोर्ट टीम थी, और उन्होंने जब ई स्पोर्ट टीम बनाई थी तो उस टाइम पे अज्जू भाई की यूट्यूब पे 15 मिलियन करीब सब्सक्राइबर थे। और जैसे उन्होंने टीम बनाई, उनकी टीम ने FFC चैंपियनशिप जीत ली, और इस चैंपियनशिप जीतने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही अज्जू भाई के टोटल गेम के यूट्यूब चैनल पे करीब 2 मिलियन से सब्सक्राइबर ग्रो हुई थे। तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर उनके ऐड हुए थे टोटल गेमिंग के, जो काफी अच्छी बात है। और FFC जब चैंपियन जीती थी टीम, बहुत सारे बंदे इस टीम को जानते थे, और इस टीम का नाम उन्होंने टोटल गेमिंग दे रखा था, इसी कारण बहुत सारे बंदे इनके यूट्यूब चैनल पे आए थे। तो नंबर 3 पे आती है टोटल गेमिंग के वायरल होने का रीजन, वो था इनके बिहेवियर और अपने आप को मिस्टीरियस बनाना। आपको तो पता है कि टोटल गेमिंग का जो कंटेंट होता है बहुत ही शुद्ध होता है, कोई भी गाली गलौज आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग फैमिली के सामने भी इनकी स्ट्रीम देख सकते हो, छोटे बच्चे और लड़कियां भी इनकी स्ट्रीम देख सकती है, क्योंकि काफी ज्यादा इनको एडवांटेज मिली इस मामले में कि फ्री फायर में कोई भी मतलब गाली गलौज नहीं करते, और इनको अच्छा मतलब एक अपने आपको मिस्टीरियस ही बनाया इन्होंने। अभी तक उन्होंने फेस रिवील नहीं किया, आपको कोई भी ऐसा यूट्यूबर यूट्यूब पर देखने को नहीं मिल जाएगा गेमर, क्योंकि टोटल गेमिंग के ऊपर एक वीडियो नहीं बनाया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
क्योंकि इतने अपने आप को मिस्टीरियस ही रखे, ना ही एज ना ही एड्रेस, मतलब अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस आप उनका नाम जानते हो बस, उनकी वॉइस सुने हो। इसके बाद बहुत सारे बंदे टोटल गेमिंग के बारे में जानते नहीं हो, और सारे यूट्यूबर जितने भी फ्री फायर के 100% यूट्यूबर टोटल गेमिंग के ऊपर एक वीडियो तो इसके ऊपर बनाए होंगे। इस कारण फ्री फायर के बहुत सारी ऑडियंस टोटल गेमिंग को पहचानी, इसके बाद उन्होंने चैनल पर किया और बहुत सारे बंदों ने सब्सक्राइब भी किया उनको, और जिसके कारण फ्री फायर को बहुत ही यूट्यूब टोटल गेमिंग को बहुत ही सब्सक्राइबर गेन हुए। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता थी, मेरे कमेंट्स में जरूर बोल देना। तो गाइस नंबर टू पे बढ़ने से पहले आपको देखिए, आप लोग तो मेरी वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बहुत ही मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को क्लिक जरूर कर देना। गाइस नंबर टू पे अजूबे के फेमस होने का रीजन आता है, वह इनका पार्टनर, इनका डुओ पार्टनर है, वो काफ़ी ज़्यादा, आप लोग अमित भाई के बारे में पक्का जानते होंगे, दोनों एक साथ शुरू से ही अभी तक साथ में ही हैं, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शुद्ध कंटेंट डालते हैं, कोई भी गाली गलौज वाले कंटेंट नहीं डालते हैं, और अमित भाई भी उस टाइम पे कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, और दोनों की जो पार्टनरशिप थी, जो डुओ थी, वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, अब इंडिया में नंबर वन पे इन दोनों की फ्रेंडशिप आती है, और कभी भी अभी तक लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। इस कारण अजू भाई को कुछ बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और अमित भाई को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, इसी कारण अजू भाई को बहुत ज़्यादा ही फायदा हुआ। इससे अजू भाई के फेमस होने के कारण अमित भाई भी का भी बहुत कुछ हाथ है, तो क्या आपको इसके बारे में पहले से पता थी, मेरे कमेंट्स में जरूर बोल देना। तो गाइस नंबर वन पे जो लिस्ट में आती है अजू के फेमस होने के कारण, वह है कंट्रोवर्सी। आपको तो पता ही होगा कि अजू भाई और ज्ञान गेमिंग के बीच हमारे फ्री फायर वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, जो कि काफ़ी दिनों तक चला था, बहुत दिनों तक चला था, जिसके कारण फ्री फायर बहुत सारी ऑडियंस इनकी तरफ अट्रैक्ट होती दोनों की तरफ, क्योंकि आप लोग पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी करोगे तो ऑडियंस तो आएगी ही देखने। जिसके कारण अजू भाई को भी बहुत ही फायदा हुआ था कि अजू भाई शुद्ध कंटेंट डालते थे तो सारे बहुत सारे बंदे इनकी तरफ आए थे, और ज्ञान गेमिंग ज़्यादा गाली गलौज करते थे तो सारे उनकी तरफ बंदे बहुत कम गए थे, जिसके कारण अजू भाई को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था कंट्रोवर्सी कारण। तो क्या आपने वो कंट्रोवर्सी देखी थी, मेरे कमेंट्स में भी जरूर बोल दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे द एंड। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी हो, आपको वीडियो नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। Peace.